यस गाइस, आज हम लोग बात करेंगे पेगासस के बारे में। पेगासस क्या है? ये नाइकी का शू है, पेगासस लाइनअप का है, पेगासस 39। गाइस आप देख पा रहे हो, ये रहा मेरा पेगासस 39। मैंने इसको 153 किलोमीटर यूज़ किया है, उसके बाद ये रिव्यू दे रहा हूँ, कैसा है क्या नहीं है सब बताएंगे इसके बारे में। पहले मैं यूज़ करता था नाइकी का पेगासस 36, जो कि बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। और उसका भी वही था, वो भी ट्रेनिंग शू था और रेस के लिए बहुत ही परफेक्ट शू था गाइस। उसका एरोडायनामिक बहुत ही खूबसूरत है, इसका भी एरोडायनामिक बहुत ही खूबसूरत है। और आज थोड़ा इसके बारे में बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है, कुशनिंग शू नहीं है और रिकवरी के लिए ये शू नहीं है, इंजरी से रिकवरी होने के लिए ये शू है नहीं, क्योंकि इसमें एनर्जी का बहुत अच्छा कन्वर्ट होता है पावर में, स्पीड में, क्योंकि इसका सोल जो है उतना कुशन है नहीं और सॉफ्ट है नहीं। जो इस स्केचर्स, ब्रूक और सुकोनी में मिल जाता है, उन लोगों को सोल क्या होता है, बहुत ही कुशन्ड होता है और एनर्जी उतना कन्वर्ट नहीं होता है पावर पेस में, लेकिन उनसे क्या होता है, इंजरी बहुत कम होता है, नी इंजरीज, एंकल इंजरीज, एक्लिस टेंडनाइटिस, ये सब नहीं होता है उसमें। लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्पीड का अच्छे से कन्वर्ट हो जाता है, स्पीड में बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट हो जाता है आपका पावर। और इसके लिए ये यूज़ कर सकते हो आप, अगर आपको इंजरी नहीं। पुराना शू जो था मेरा नाइकी का पेगासस 36, उसमें मैंने 2000 किलोमीटर यूज़ किया है। एक्चुअली इतना यूज़ करना नहीं चाहिए, आपको 900 to 800 किलोमीटर्स एक शू में यूज़ करना चाहिए, वरना आपको अल्टरनेट शूज़ यूज़ करना चाहिए। एक दो दिन मान लीजिए नाइकी पेगासस पहना और एक दिन ब्रूक का जो कुशन शू है वो पहना, फिर इंजरीज आने का बहुत कम चांसेस रहता है। आखिरकार क्या है गाइस, रनिंग है, इंपॉर्टेंट, रनिंग करना है, कोई भी शू में कर ले, लेकिन शू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वरना इंजरीज आ जाता है। आप देख पा रहे हो, ये है नाइकी का पेगासस गाइस 39 है ये। इसका बहुत सारा लाइनअप है, विंड फ्लो मैंने यूज़ किया है, लेकिन पेगासस ही अच्छा लगता है। और गाइस एक ही पेगासस 39, इसी का और एक थोड़ा सा और एक वेरिएंट है, नाइकी पेगासस 39 शील्ड, वो भी गाइस अच्छा है, लेकिन वो ऑल वेदर के लिए है। जैसे मान लीजिए अभी विंटर सीजन है, क्या होता है, घास में, ग्रास में फॉग आ जाता है, जिसके कारण से आपका जूता भीग जाता है। ये भी थोड़ा सा सिंथेटिक कोटेड है, एयर मेश है, और इसमें पानी उतना अच्छे से नहीं लगता है, ये रिपेलेंट है, मींस वाटर रिपेलेंट जिसे कहते हैं, पानी इसमें ग्रिप नहीं होता है। और वो भी नाइकी शील्ड जो है वो भी अच्छा है गाइस, उसका थोड़ा सा अलग है, आप ट्राई देख सकते हो, अगर पसंद आए तो नाइकी शील्ड भी ले सकते हो, ऑल वेदर शू कहते हैं उसको, और उन लोगों ने नाम दिया है। और गाइस इसका ड्रॉप है 10 mm, और 10 mm का हील टू टो ड्रॉप है गाइस, इसको मैक्सिमलिस्ट भी नहीं कह सकते हैं, मिनिमलिस्ट भी नहीं कह सकते गाइस, ये परफेक्ट शू है पेस के लिए और ट्रेनिंग के लिए गाइस। इसको हम लोग मैक्सिमलिस्ट भी नहीं कह पाएंगे, मिनिमलिस्ट भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इसका ड्रॉप है 10 mm का, वेट है 249 ग्राम का, बहुत ही लाइट वेटेड शू है गाइस। ऊपर ये अपर मेश है, मेश से बना हुआ है, एयर वेंटिलेटेड है, हवा आते जाते रहता है, जिससे कि आपका हीट का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। और कलर भी बहुत ब्राइट आ रहा है, और इसका लेस भी बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही लेस अच्छा है। एंकल लॉक भी दिया है, इसको एंकल लॉक होल रहता है, बहुत जनों को पता नहीं है ये क्यों रहता है, ये हो रहता है एंकल लॉक के लिए, ये बहुत ही एडवांटेज रहता है एंकल लॉक। आपका शू कभी कभी ढीला हो जाता है, उसके कारण से पेस में कमी आती है गाइस। ये एंकल लॉक अगर यूज़ करोगे तो आपका स्पीड में बहुत इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा तो इंप्रूवमेंट होगा ही होगा गाइस। इसके बारे में एक बार बता देंगे कैसे क्या यूज़ किया जाता है, आप देख पा रहे हो गाइस बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ बताते हैं, ये सोल में क्या गया है, ईयर जूम सोल का टेक्नोलॉजी लिया गया है गाइस। इससे क्या होता है, इधर कुछ कुछ ईयर पॉकेट रहता है, यहाँ पर ईयर पॉकेट है और यहाँ पे एयर पॉकेट है, जिससे क्या होता है, आपको जो फोर्स जो होता है, हीट जो होता है, जब सोल रोड में हीट करता है तब जो एनर्जी है, फोर्स है, वो उससे आपका इंजरी ना आए उसको प्रोटेक्ट करता है गाइस। ये शू अच्छा है गाइस। गाइस अभी आप सामने देख पा रहे हो, ये पेगासस 36 है गाइस, पेगासस 36 मेरा ओल्ड शू।
इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है और इसका 2000 किलोमीटर इसमें हो गया। आप देख पा रहे हो ये फट भी गया है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा काम करता है। गाइस इधर देख पा रहे हो ये फट भी गया है, लेकिन मैं इसको अभी भी यूज़ करता हूँ और इसको कहता हूँ इधर से हवा आता है गाइस, वेंटिलेशन का काम करता है। सोल भी इसका ख़त्म हो चुका है, ग्रिप अभी बचा नहीं है। और गाइस मैं आपको बताता हूँ ये शू बहुत ही अच्छा था, अभी भी अच्छा है। और मैंने अभी बोला था आपको ये जो पीछे का है इसका एरोडायनेमिक बहुत ही खूबसूरत है गाइस। इसका देखिए पॉइंटेड है और इसका पॉइंटेड है नहीं, आप देख पा रहे हो इसका पॉइंटेड है नहीं, इसका थोड़ा सा बैठाया हुआ है। और इधर नाइकी का सिंबल दे दिया, आप देख पा रहे हो पीछे में से कौन सा अच्छा लग रहा है गाइस, आप कमेंट में बोलिए। और इस मेरे को तो 36 ही बेटर लग रहा है 39 से, लेकिन अब क्या करेंगे, अपग्रेड हो गया है, ये बंद हो चुका है बनाना, तो अब 39 ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसका नाइकी का जो सिंबल है इसका मस्त है एज कम्पेयर टू 36। और गाइस इसमें क्या था, नाइकी का जो था नाइकी जूम का सोल था, और इसमें नाइकी क्या ईयर टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, ईयर जूम का टेक्नोलॉजी यूज़ किया है। इधर ईयर पॉकेट होता है, मैं गाइस मैं आपको इसका सोल दिखा देता हूँ। इसमें भी गाइस सॉकेट की तरह है, ग्रिप है, इसमें भी बहुत अच्छा ग्रिप है, इसमें भी ग्रिप है, और इसका ग्रिप ख़त्म हो चुका है रोड में दौड़ते दौड़ते। आप इसको क्या, ये ग्रिप मैं बोलता हूँ आप ट्रेल में भी यूज़ कर सकते हो, ट्रेल में भी अच्छा ग्रिप होता है गाइस। मैं ये जूता प्रेफर भी करता हूँ ट्रेल में, हार्डकोर ट्रेल में प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन नॉर्मल जो ट्रेल रहता है इधर का, नॉर्मल आसपास हिल्स का, उसमें आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आप नहीं गिरोगे और स्पीड भी होगा। एज़ कम्पेयर टू ट्रेल शूज़ बहुत ही हैवी होता है, लेकिन ये उतना हैवी है नहीं। आप इसको एज ए ट्रेल रनिंग शू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर लोग रहता है इसको ट्रेल रनिंग शू नहीं मानता है, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे इसको अगर ट्रेल रनिंग शू बोलोगे तो। लेकिन मैंने बहुत जनों को देखा है दौड़ते हुए, बाद में बोला था टो बॉक्स जो नाइकी ने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है मेरे ख्याल से। देखिए आप देख पा रहे हो ये जो जगह है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही नैरो था गाइस, लेकिन अभी देखिए इसमें थोड़ा सा वाइड है, आप देख पा रहे हो थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है, और इसमें भी वाइड है और इसमें भी वाइड है। ये मैं यूज़ करते करते इसलिए इतना ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, लेकिन इधर ये न्यू है, न्यू में ही वाइड है ज़्यादा। यस गाइस इसमें नाइकी ने इम्प्रूवमेंट किया है, एकदम डेफिनेटली किया है, वो कह नहीं रहा है लेकिन किया है। गाइस ये शू आपको प्राइस अप्रोक्स 10,500 और 8,000 के बीच में मिल जाएगा। मिंत्रा फ्लिपकार्ट में ऑफ़र भी चलता है, तब आप देखिएगा, तब अच्छा रहेगा, आप ख़रीद सकते हो। और शोरूम में आपको 10,500 11,000 ऐसा पड़ जाएगा। इसका भी कलर के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। जो शील्ड है वो भी आप देख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से पेगासस 39 ही बेस्ट है शील्ड। बेयरफुट रनिंग भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन बेयरफुट रनिंग पॉसिबल है नहीं ये रोड कंडीशंस में, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो बेयरफुट रनिंग करोगे तो कुछ इंजरीज आ जाएगा, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है पैरों में, कुछ कट कूट गया, फिर जर्म्स आ गया तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसे लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बेयरफुट रनिंग। आप यूज़ कर सकते हो अगर नेचुरल रनिंग फॉर्म को यूज़ करना है तो आप मिनिमलिस्ट शू यूज़ कर सकते हो, या मैक्सिमलिस्ट शू तो नहीं होगा, नेचर फीलिंग जो नेचर का, नेचर जो हम लोगों का फुट का टाइप है उस हिसाब से अगर देखोगे तो मिनिमलिस्ट शू यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्लिस टेंडनाइटिस है जिससे मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मेरे को मैक्सिमलिस्ट और न्यूट्रल शू यूज़ करना पड़ेगा। ये एक्चुअली न्यूट्रल शू है और ये स्टेबिलिटी शू है नहीं, इसलिए ये न्यूट्रल जिन लोगों का पैर का फुट टाइप है उन लोगों के लिए ये शू है। अगर आपको न्यूट्रल और कैसे शू टाइप, फुट टाइप से आपको शू चूज़ करना है, मैं आपको एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो मैंने पहले बनाया था कैसे आपका फुट टाइप मेजर कर पाओगे वो उसमें है। और वरना मैं इसमें भी गाइस ये डिस्क्लेमर है, सबका फुट टाइप अलग है और शू फिटिंग अलग है। मेरा जैसा नाइकी फिट होता है अच्छे से, किसी का स्केचर्स हो सकता है, सुकोनी का हो सकता है, ब्रुक का हो सकता है, एडिडास का हो सकता है, इसलिए गाइस पहले जाइए शोरूम में ट्राई कीजिए, या आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ आपका फुट टाइप में वो फिट है क्या नहीं है वो देख लीजिए आप, लेकिन चेंज करके देख सकते हो, वेरिएशन ला के देख सकते हो। मान लीजिए जो लोग एडिडास यूज़ कर रहे हैं वे नाइकी यूज़ करके देख सकता है, मैंने भी पहले एडिडास यूज़ किया था, स्केचर्स भी यूज़ किया है, सुकोनी भी यूज़ किया है, अभी नाइकी यूज़ कर रहा हूँ तो नाइकी मेरे में परफेक्ट बैठा है। नाइकी का पेगासस लाइनअप का अच्छा है, विनफ्लो भी है, विनफ्लो से मेरा पेगासस अच्छा बैठता है। यस गाइस शूज़ कोई भी रहे, नाइकी रहे या सुकोनी रहे, ब्रुक रहे या कुछ भी रहे, या गोल्ड स्टार रहे, मैंने भी गोल्ड स्टार में दौड़ाया गाइस, बहुत अच्छा होता है वो शूज़ भी। लेकिन आपको क्या है, रनिंग स्टार्ट करना है गाइस, रनिंग स्टार्ट करना है, जैसे भी हो करना है, इंजरी फ्री रहना है तो अच्छा शू लेना पड़ेगा गाइस, वरना इंजरी आते रहता है और शूज़ को चेंज करते रहना पड़ेगा। 800 टू 900 किलोमीटर्स में एक्चुअली शूज़ को चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन करना पड़ेगा गाइस, और इंजरी नहीं आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए। यस गाइस या